Good morning, dear students. Myself Kavita in Department of Biotechnology from PPTC Rewa. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम चुना है. इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपका कोर्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. तो हम आज अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. हमने साइटोकाइंस के बारे में पहले लेक्चर एक बार वीडियो लेक्चर डिलीवर कर चुका है. उसके आगे का जो पोर्शन है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे. तो हम देखते हैं कि साइटोकाइन रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं. रिसेप्टर से आप क्या समझते हैं कि किसी तरीके के रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं. तो हम आज वो देखते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं और पर्टिकुलर अगर हम साइटोकाइन रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टारगेट मेम्ब्रेन सेल की अपर सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड होते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे टारगेट सेल क्या होती है. टारगेट सेल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का एक टारगेट होना डेफिनेट, दैट मीन कि किसी सेल को कुछ काम दिए जाते हैं कि उसका एक डेस्टिनेशन होता है. उसको हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, सेल की अपनी साइकिल होती है. तो हम देखते हैं कि जो टारगेट सेल्स होती है कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिन्हें अपने काम को पूर्ण करने का एक एम होता है उनको. और पर्टिकुलर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको दिया जाता है काम, उनके लिए निर्धारित किया जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का काम करना है. तो उन सेल्स को टारगेट सेल्स कहते हैं. मतलब कि टारगेट सेल्स क्या करती हैं कि जो स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है, जैसे हम साइटोकाइंस के रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स को ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा और क्या करेगा, स्पेसिफिक बाइंडेशन में हेल्प करता है. तो जैसा कि हम देखें कि साइटोकाइन रिसेप्टर पर्टिकुलर क्या काम करते हैं, बाइंड से अटैच होते हैं. फिर हम देखते हैं कि साइटोकाइंस को चार फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है. अब हम उन चार फैमिलीज को डिस्क्राइब करते हैं कि साइटोकाइन की जो स्ट्रक्चरल फैमिली है तो उसमें हेमाटोपोएटिक, इंटरफेरॉन्स, कीमोकाइन और ट्यूमर मियोसिस होता है. हेमाटोपोएटिक आपको मैंने पहले बताया, इसको एचएससी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं, लाइव सेल्स भी बोल सकते हैं. कहाँ पर होती हैं, ब्लड में मिलती हैं, बोन मैरो में मैचुरेशन होता है. मैंने प्रीवियस जो लेक्चर उसमें हेमाटोपोएटिक और इंटरफेरॉन सेल्स को ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है. तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. फिर हम देखते हैं कि जो हमारे रिसेप्टर है इनको कुछ हम स्पेसिफिक डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें और फाइव फैमिलीज कौन सी होती हैं. दीज आर फोर स्ट्रक्चरल फैमिली एंड फाइव अदर फंक्शनल फैमिलीज भी हैं जो हमारे रिसेप्टर में इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमारा क्लास वन मॉलिक्यूल होता है, क्लास टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, TNF होते हैं, कीमोकाइंस होते हैं. तो हम इस तरीके से इसको आज यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी फैमिलीज होती हैं जिनको हम एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं. तो हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन सी फैमिलीज हैं. दीज आर फाइव फैमिलीज, है ना. इसको हम क्लास वन, देन हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम पहले स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना लेते हैं. तो ये हमारा क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है. दिस वन क्लास वन एंड दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है. हम इसमें देखते हैं कि ये जो है ये क्या है, सिस्टाइन है, ये कंबाइंड सिस्टाइन बनते हैं. फिर हम देखते हैं हमारा क्लास टू. क्लास टू में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर क्लास टू है ये. आफ्टर डेथ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ TNF होते हैं. अब TNF जो है, ये TNF क्या होते हैं, ये हमारे TNF हो गए. फिर हमारा जो है लास्ट जो है
ये हो गया कीमोकाइन, दैट इज कीमोकाइन। जो हमारा टीएनएस होता है मेनली ही क्या करता है, कार्बन के चेन को कैरी करता है। अब हम देखते हैं इसमें क्लास वन एमएचसी मॉलिक्यूल, क्लास टू ये मैंने ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है इनका बहुत ब्रीफ में डिटेल है, ब्रीफ में डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिलीवर किया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि हमारा कीमोकाइंस क्या है और टीएनएफ क्या है। टीएनएफ में हम देखते हैं कि कार्बन की सीक्वेंस होती है चेन, इस सीक्वेंस में ये क्या है, दीज आर अमाइनो एसिड्स चेन है, ये क्या है अमाइनो एसिड्स की चेन है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं कि ट्रिप्टोफैन इसमें इंक्लूड होगा। इस तरीके से इन पांच फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, देन ये हमारा स्ट्रक्चर फैमिली हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर है इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि जो साइटोकाइंस है वो हेमेटोपोएटिक सेल, ह्यूमरल सेल और सेल मीडिएटेड सेल को क्या करता है, उसके रेगुलेटरी का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनका हमारी बॉडी में रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों, अगर वो रेगुलेट नहीं करेंगी तो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, इसलिए उनके मूवमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो हमारी पर्टिकुलर सेल्स होती हैं ये भी इनकी भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, ये क्या करती है उस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट करती हैं, क्योंकि कुछ सेल्स क्या होती है डेड हो जाती हैं और फिर वापस सेल का रिन्यूअल होता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि हेमेटोपोएटिक रेगुलेटिंग सेल, तो ये क्या करती है हेमेटोपोएटिक सेल्स को भी रेगुलेट करने का काम करती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन कंट्रोलिंग का काम करती है। हम प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन जानते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो जो बनने के बाद अगर हमारी सेल्स प्योरीफाई नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगी, खुद को जस्टिफाई नहीं करेंगी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेंगी सर्वाइव नहीं करेंगी। तो उस सर्वाइवल को कुछ हम उसको रोकने का भी काम होता है। हम जानते हैं कि सपोज दैट हमने कोई मशीन ऑन की, मशीन को ऑन करने के लिए वी आर यूजिंग स्विच, और उसी स्विच को यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, उस मशीन को स्टॉप करने के लिए। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑन और ऑफ करते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या होती है जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं उन सब का कंट्रोलिंग ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जो जैसे कि आप फैन ऑन कर दोगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे। जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो वो जल जाएगा या वो काम नहीं करेगा, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से सेल्स हैं, सेल्स तो वैसे लाइफ सेल्स होती हैं, तो उन सेल्स में या उस बॉडी में जो हमारे प्रोसेस हो रही है उन सारी प्रोसेस को का रेगुलेशन, उसका कंट्रोल करना, रेगुलेशन जब होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलिंग का काम करते हैं, कुछ रेगुलेटिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि वाउंड हीलिंग, कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं जब कोई घाव हो जाता है उसको हील का काम करते हैं, हीलिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे, जबोजर कोई कट लग जाता है हमारी बॉडी में, कुछ घाव होता है, उस घाव में क्या होता है हमको भी पता है कि हमारे बॉडी में जो इनिशियल प्राइमरी बहुत सारे सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, लेयर्स होती हैं, और लेयर के बाद में हमारा फिर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो जब उसमें कट लगता है तो क्या होता है, कट लगने के बाद वो जो स्किन का जो पार्ट है, जैसे हम देखते हैं कि ये स्किन में इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जब कट लगता है तो ये क्या होता है हट जाता है, और बाकी का जो हमारा है तो इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि इसको हमको इक्वल करना है, कैसे इक्वल करना है, एज इट इज जैसा पहले था, क्योंकि जैसा पहले रहेगा तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है उसमें हम क्या कर देते हैं या तो उसमें हम क्या करते हैं बाहर से आर्टिफिशियल ऑइंटमेंट कुछ देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन के थ्रू क्या होता है वो आप देखे होंगे स्किन जो है वो वापस जुड़ना चालू जाती है। क्या होता है कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो दोनों प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो जो वाउंड है हमारा किसी भी तरीके का वो वाउंड क्या होता है उसकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं साइटोकाइन डिजीज के बारे में। तो जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स है इससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं, जो जिस डिजीज के कारण क्या होता है जो साइटोकाइन है वो कुछ डिजीज भी कॉज करता है, इसके बाद इसके थेराप्यूटिक
यूजेस भी होते हैं। तो हम डिजीज देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब ऐसी डेफिशिएंसी जो इम्यून जो हमारी इम्यूनिटी वीक होने के कारण हमारे बॉडी में क्या होती है कॉज कर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेवरल इम्यूनो डिजीज। मतलब कई तरीके के इम्यूनो डेफिशिएंसी कमी के कारण उसका बॉडी में क्योर होना। फिर हम देखते हैं मेनली क्या होता है इसमें कि इस डेफिशिएंसी के कारण बॉडी का जो रेगुलेटरी फंक्शन मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। फिर हम बात करते हैं इसका थेरापेटिक यूजेस। तो थेरापेटिक यूज क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि बॉडी में आजकल हमको आजकल करेंट में जैसे डिजीज कैंसर है, तो कैंसर बहुत कॉमन हो गया और हम देखते हैं कि मोस्टली लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि हम लोग अब कैंसर है, कैंसर के लिए हम थेरेपीज यूज़ करते हैं। हम देखते हैं स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है जिसके लिए हम थेरेपी यूज़ करते हैं। मेडिसिन के साथ साथ आजकल आज हम फिजियोथेरेपी और कुछ अदर नेचुरल थेरेपीज का यूज़ करके भी उस डिसीज को क्योर करते हैं। तो हम देखते हैं कि थेरापेटिक में ये कैंसर को क्योर करता है। कैंसर में कैसे क्योर करेगा, उसमें कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं। उस इंटरफेरॉन्स हमने यहाँ पर पढ़ा है स्ट्रक्चर फैमिली में इंटरफेरॉन्स होते हैं जिसमें IL-2 होता है जो क्या करता है कैंसर सेल्स को फिलिंग करने में, उस सेल्स जो सेल को डेवलप करने में हम बॉडी में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्या इंड्यूस करता है, ये WBC को इंड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में GM-CSF होगा। ये क्या करेगा, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा सेल्स होती हैं। तो ये RBC को नहीं, ये WBC को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी हेल्प करता है। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हमको उसमें सेम ब्लड ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हमारा HLA मैच करना ज़रूरी होता है, तो ये ट्रांसप्लांटेशन में भी हेल्प करता है। आज के वीडियो के लिए, आज के क्लास के लिए इतना ही। हम रिसेप्टर्स के बारे में देखते हैं, उसके चार स्ट्रक्चरल फंक्शन फैमिली के बारे में देखते हैं, फंक्शनल फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शंस को देखते हैं और उसके बाद उसका थेरापेटिक्स यूज क्या है साइटोकाइन रिसेप्टर्स का। आज के क्लास में हम इतना डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की वीडियो डिलीवर करेंगे और आपके कोर्स को जल्दी कंप्लीट कराते हैं। थैंक यू।